उन्हीं दिनों की बात है, बाबा के सामने धीरे धीरे ज्ञान के राज खुलने लगे थे। संदेश पुत्रियां वतन से ध्यान के माध्यम से संदेश लाने लगी और एक दिन मम्मा, आज मैं ध्यान में गई तो वतन में मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल बाबा जैसा ही था। बाबा जैसा? और क्या देखा? फिर मैं वापस आ गई। अच्छा, मैं बाबा को बताती हूँ, तुम भी बताना। बाबा, आज गुलजार ध्यान में गई थी और उसने वतन में आप जैसा ही व्यक्ति देखा। मुझे देखा? मेरे जैसा ही? ब्रजेंद्रा, जरा गुलजार को बुलाना। बच्ची, तुमने क्या देखा? बाबा, मैंने आपको देखा। आपसे बहुत प्रकाश फैल रहा था। तुम्हें तो श्री कृष्ण देखना चाहिए था, देवताओं का रास मंडल देखना चाहिए था। ये क्या देखा तुमने? उसने कुछ कहा भी? नहीं बाबा, मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है, जाओ। बाबा, ये क्या है? मम्मा, मुझे लगता है कि ज्ञान का कुछ राज खुलने वाला है। ब्रजेंद्रा, तुम गुलजार को कुछ प्रश्न बना कर दो, जो वहाँ पूछ कर आए कि वो कौन है। जी बाबा। बाबा, मैंने गुलजार को ध्यान में भेजा, वह जवाब लेकर आई है। अच्छा, बुलाओ उसे। आओ बच्ची, बैठो। बच्ची, ध्यान में गई? गुलजार, बाबा को पूरा दृश्य सुनाओ। बाबा, जैसे ही मैं ध्यान में गई, मेरे सामने वह बहुरूपिया आया। उससे चारों ओर बहुत प्रकाश फैल रहा था। उसके मस्तक में एक सुंदर सितारा भी चमक रहा था। मैं उसे देखती ही रह गई। वह भी बड़ी ही मीठी मुस्कान से मुझे देख रहा था। मैंने साहस करके उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने उत्तर दिया, मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। मैं यहीं सूक्ष्म वतन का वासी हूँ। नीचे साकारी ब्रह्मा है, उससे तपस्या करके संपूर्ण ब्रह्मा बनना है। मैं उसका ही संपूर्ण स्वरूप हूँ। अच्छा, तो मुझे संपूर्ण बनने के लिए तपस्या करनी होगी, गहन तपस्या। मुझे संपूर्ण बनना होगा, अब तो तपस्या की मेहनत करनी होगी।